आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मैं इस वक्त डॉक्टर डी के सतपति के साथ हूँ। ये वो शख्स हैं जिन्होंने गैस ट्रेजेडी को देखा, झेला, और जब लोगों की मौत हो रही थी, लोग भोपाल छोड़ के भाग रहे थे, उस वक्त यही वो डॉक्टर हैं जिन्होंने समाज सेवा भी की और अपना कर्तव्य भी निभाया। और मुझे लगता है अधिक से अधिक सर्वाधिक पोस्टमार्टम भी डॉक्टर डी के सतपति के हाथों हुए हैं। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं क्या मंजर था, क्या लोगों की भावनाएं थी और कैसा लगा जब आपको अचानक फ़ोन आया या आपको इत्तला मिली कि ऐसा कुछ कांड हो गया है। देखिए, उस वक्त मैं मेडिकल लीगल संस्थान में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर था और मेरे प्रोफेसर स्वर्गीय श्री हरीश चंद्र वो डायरेक्टर थे। मुझे करीब 4 बजे हरीश साहब मेरे घर में आए, ईदगाह में रहता था, और उन्होंने सिर्फ मुझे इतना कहा कि डॉक्टर सतपति जल्दी से जल्दी मार्चुरी पहुँचो, द कैजुअलिटी हैज टेकन बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। उन्होंने इतना कहा कि मृत्यु हमारी कल्पना से भी अधिक हो चुकी है। मैं घबरा गया। मैं गया तो ताजुल मस्जिद से लेकर मेडिकल कॉलेज तक आदमी चीख रहे थे, कहरा रहे थे, परिजन उसकी तीमारदारी में लगे थे, मेडिकल के स्टूडेंट्स, डॉक्टर जगह जगह जाके जो भी उनको उपाय सूझ रहा था कर रहे थे, कई व्यक्ति मर चुके थे। मैं उनके बीच में सो होते हुए मैं कैजुअल्टी में गया तो वहाँ पर डॉक्टर दीपक गंधी कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर थे। मैंने उन्हें पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने यूनियन कार्बाइड को रात को फ़ोन करके पूछा था, डॉक्टर लोया को, तो उन्होंने कहा तो सबसे पहले तो ये बताया था कि ये गैस खतरनाक नहीं है, आँख कान पानी से धोने से साफ हो जाएगा, क्योंकि पहले भी यूनियन कार्बाइड के हादसे से 7-8 आदमी हमारे यहाँ भर्ती हुए थे 4-5 साल पहले, उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, बाकी सब ठीक हो गए थे। मगर जब डॉक्टर दीपक गंधे को लाशों का जखीरा मिला 2 घंटे के बाद, तब उन्होंने डॉक्टर लोया को फिर से फ़ोन किया कि सर आप तो बता रहे थे ये गैस खतरनाक नहीं है, किंतु मेरे सामने लाशें बिछी पड़ी हैं, अब बताइए क्या है ये। तब डॉक्टर लोया ने कसम खा के कहा कि दीपक, मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं, न यूनियन कार्बाइड ने मुझे बताया, और मुझे भी लगता है यह सही होगा, क्योंकि यूनियन कार्बाइड इतने बड़े खतरनाक चीज़ को भोपाल में लाने के बाद वो अपने कर्मचारियों को सभी को यदि बता देता तो शायद ही उसे फैक्ट्री में एक भी आदमी काम करने को तैयार नहीं रहते, और यहाँ पर व्यापार के मकसद से आया था। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ इतनी मालूम था कि जिस टैंक से गैस लिखी थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट, अब हमारा कर्तव्य ये होता है, ये पहली बार हुआ था और इतने सारे लाशें, कम से कम 1,000-1,500 एक साथ पोस्टमार्टम करना, हम लोग कुल मिला के 3 आदमी थे, ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने एक स्पेशल पोस्टमार्टम फॉर्म का डिजाइन किया और उसकी अनुमति ली गृह विभाग से कि इस पोस्टमार्टम ये फॉर्म में जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित फॉर्म के अलावा एक छोटा सा पोस्टमार्टम फॉर्म हमने बनाया। और दूसरा ये भी सही है कि जब बहुत से आदमी एक ही हादसे में मर जाते हैं तो सबका पोस्टमार्टम करना कोई ज़रूरी नहीं है, रैंडम सैंपल पोस्टमार्टम किया जाए और सभी का बाह्य परीक्षण करके मत दे दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में हमने, अब सवाल ये उठता है कि वहाँ पर जो भी लाशें थीं, नाम तो मालूम है किंतु उसका कोई लेने वाला नहीं था। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी, आप गवाह रहे इतनी लाशों के, इतने पोस्टमार्टम आपने किए और जानते थे कि इन सब की मृत्यु जो हुई है उसका कारण एक ही है, लेकिन उस वक्त जब पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, एक खानदान खत्म हो गया, एक वंश खत्म हो गया, उस वक्त कैसे पहचाना और कैसे लोगों को बॉडी सुपुर्द की? वहाँ पर 3 तरह की लाशें थी, तो परिजन साथ में थे, नाम गाँव पता मालूम था, कुछ आदमियों का नाम गाँव पता अड़ोस पड़ोस को मालूम था, किंतु उसको लेने वाला कोई नहीं था, वो लावारिस टाइप की थी, और कुछ लाशें लावारिस के साथ साथ अज्ञात भी थी। ऐसी परिस्थिति में हमने कहा कि लावारिस हो चाहे ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, हम सबको एक एक नंबर देंगे हम, और सबके एक स्लेट में
एक नंबर लिखते थे, छाती में रखते थे, फोटो ले लेते थे, दो नंबर लिखते थे, उसका फोटो ले लेते। हमने सबका फोटोग्राफ करवाया और सबको हमने नंबर दिया। अब हम लाश को नाम से नहीं पहचानते थे, नंबर से पहचानते थे। और हमने मेडिकल स्टूडेंट्स को कहा कि ये एक नंबर से लेकर 10 नंबर तक तुम्हारा, 11 नंबर से लेकर 20 नंबर तक तुम्हारा। हमने डॉक्टरों को बुलाया, लड़कों को, जो फाइनल की स्टूडेंट इंटर्न, और उनको बोला कि जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है, बाह्य परीक्षण में जो भी दिख रहा है, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, जो भी मैं लिखना है लिख दो, जिससे कि भविष्य में पहचानने का काम आया। कई लड़कों ने लिखाया कि मृतक जनेऊ पहना है, उसकी मूछ तलवार कट है, किसी औरत ने लिपस्टिक लगाई है, माथे पे बिंदिया है, हरे रंग की गाउन पहनी है। जो कुछ भी है, अभी भी वो दस्तावेज मेरे पास सुरक्षित है। हमने जो फोटो लिया उसका एक काम यह आया, क्योंकि मनुष्य इतना सातिर दिमाग का रहता है, इतनी कुबुद्धि रहती है कि आपने देखा होगा ट्रेन एक्सीडेंट होते वक्त वहां पर भी कुछ ऐसे अपराधी तत्व पहुंच जाते हैं जो सामान लूटने की फिराक में रहते हैं। तो वहां पर भी मैंने देखा कि क्योंकि हम पोस्टमार्टम रेंडम करते थे और बाकी को बाह्य परीक्षण करके दे देते थे, जब वो ले जाते थे तो जब हमने पोस्टमार्टम किया राम के नाम से, लाश ले गए, 3 घंटे के बाद पुनः एक लाश आ गई, उसका नाम था श्याम, हमने फिर से उसका नाम रजिस्टर कर लिया। जब हमने फोटो का मिलान किया, बॉडी नंबर 3 और बॉडी नंबर 45 एक ही आदमी का है। ये उस वक्त भी आदमी को दुर्बुद्धि चल रही थी, मुआवजे का खेल वहां पर भी था। अब सवाल जुड़ता है कि हमने अपना कर्तव्य बोध समझ के, मुझे 3 चीजें था जो अज्ञात थे, उनका पहचान करना, दूसरा इनके मृत्यु का कारण क्या है, और तीसरा इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये 3 चीजें हमारे पास थी। तो पहली चीजें तो ये है, अज्ञात के बारे में सब कपड़ा लत्ता रखना, ये करना, सुरक्षित रखना। दूसरा हमने पोस्टमार्टम किया, तो पोस्टमार्टम किया तो हमने ये देखा कि सभी के जो खून है वो चेरी रेड कलर था, बिल्कुल लाल रंग का था। इसका मतलब कि खून में जो ऑक्सीजन था उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, जो 2 कारण से होता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, दूसरा साइनाइड पॉइजन से होता है। तो हमारे दिमाग में कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं था, साइनाइड जरूर था। तो हमने सबका खून, सबके विसरा, सबके लीवर, तो जो भी रख सकते थे हमने सबको रखा। दूसरे दिन जर्मन से एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन ग्रेडर, वो बड़े विश्व स्तरीय विश्वविज्ञानी थे। उन्होंने भी परीक्षण करके बोला था इनमें से साइनाइड से ही मृत्यु का मुख्य कारण साइनाइड, और साइनाइड का एक ही ट्रीटमेंट है सोडियम थायोसल्फेट। जब हम थायोसल्फेट देते हैं तो शरीर में जो साइनाइड रहता है वो थायोसाइनाइड बन जाता है, और थायोसाइनाइड बन के जो कि विस्कारक नहीं रहता के साथ निकल जाता है। हमने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया, जो पीड़ित व्यक्ति थे, जो नॉन पीड़ित व्यक्ति थे, दोनों को इंजेक्शन लगाते उनके पेशाब में जो तत्व होते हैं आंकलन किया, तो जो आदमी पीड़ित सोडियम थायोसल्फेट लेने के बाद जो एक्सक्रीशन आ रहा था मूत्र से, वह 10 गुना 20 गुना अधिक बढ़ गया था। हमने रिकमेंड किया कि भी सबको सोडियम थायोसल्फेट, मगर इन्हीं कारणों से सरकार ने भी बोला कि इस शुद्ध बैठक पर बाद में एक दिन ये रोक दिया गया, कुछ अफवाह फैली कि सोडियम थायोसल्फेट लगाने से मर जा रहा है, ये लगाना चाहिए जो भी होता है, और सोडियम थायोसल्फेट कर दिया एंड इट वॉज नॉट मैंडेटरी बट इट वॉज ऑब्लिगेटरी। जो डॉक्टर चाहे लगा सकते और जो मरीज चाहे ले सकते, पर कुछ संगठनों ने, मैं 10,000 वायल लगा था, कुछ संगठनों ने उसको लेकर आदमियों को लगाया। हमने भी अपने विभाग में अपने स्तर पर हमने आदमियों को लगाया, तो आज मैं देखता हूँ कि वो व्यक्ति अभी भी स्वस्थ है। तो मुझे कल्पना होती है कि शायद उस वक्त भी लगा दिए रहते तो जो साइनाइड विष शरीर पर एक लंबे काल तक उन आदमियों के शरीर में पड़ा था, शायद जल्दी निकल जाता तो डैमेज उतना नहीं कर पाता। छोड़िए, अब प्रश्न ये उठता है कि इस हादसे से हमने सबक क्या सीखा। हमने सबक ये सीखा कि जो विकसित विकास बल्कि जो विकसित देश हैं वो जो गरीब मुल्क हैं या जो विकास की गति पर हैं उन लोगों का ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि यही जो यूनियन कार्बाइड था इसका हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे पहले तो ये वार गैस बनाता था, ये मौत
सामग्री का निर्माण करता था। ठीक है, हमने उसको बुलाया, हमने उनका फैक्ट्री दिया, पर उसने कोई जानकारी इतनी नहीं दी कि इस गैस में क्या यूज करेगा, यदि बीच में हादसा हो जाता है तो क्या करना चाहिए, कुछ नहीं बताया। तो अब सवाल जो उठता है कि हमें तो विश्व स्तर पर यूएन लेवल पर हमें एक रेजोल्यूशन करना चाहिए कि कोई भी ऐसा पदार्थ केमिकल जिसका कि कम्प्लीटली हमें निकाल मालूम नहीं है, उसका सूत्र मालूम नहीं है, हादसा होगा तो क्या होगा, तब तक वो चाहे सोना क्यों ना हो, अमृत क्यों ना हो, विश्व में किसी भी कोने पर इसका उपयोग वर्जित होना चाहिए। आप बताइए, उसके बाद आदमियों को बताइए कि ऐसा ऐसा होगा, तब आदमी उसको लगाने की अनुमति देंगे। जिससे कम से कम, मैं आपके घर में सांप रख रहा हूं, मैं आपको बता तो दूं कि नहीं निकलेगा, मगर यदि भविष्य में निकलेगा तो ये जहरीला सांप है और ये इंजेक्शन से आप बच सकते हैं। आपने मुझे सांप दे दिया, मैं गरीब हूं, आपको 10,000 में किराए में दे दिया, और एक दिन सांप निकला और हमारे सब घर को तबाह कर गया, यही हुआ। अच्छा, अब दूसरे एंगल को देखिए, एंडरसन यहां पर बंदूक तलवार तोप सैनिक लेके आक्रमण करके फैक्ट्री नहीं लगाया था, उसने व्यापारी आदमी है, उसने एक आवेदन दिया था कि मैं ये लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये किसका कर्तव्य था, ये सरकार का कर्तव्य था, क्योंकि हम उस लेवल पर हम उससे बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम तो अपना पति अपना विभाग अपना पिता हम सरकार को मानते हैं, हम मान के चलते हैं कि हमारा पिता इस प्रजा का अपने संतान का सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगा, पर उन लोगों ने जो दिया उसको परमिशन, दे आर दी फर्स्ट लाइन ऑफ क्रिमिनल। दूसरा कि यहां पर जो हमारे ही ऑफिसर लोग उस परिसर में हर 2 माह में 3 माह में जाकर जो ऑडिट रिपोर्ट देते थे, इंस्पेक्शन रिपोर्ट देते थे, सुरक्षा संबंधी इंडस्ट्री का आदमी तो जाते होंगे, उन लोगों ने तो बार बार दिए हैं, यहां पर बिल्कुल सब निरापद है, सब कुछ सही है, वो कहां गए, दे शुड बी हैंग रादर देन एंडरसन। एंडरसन में फांसी में लगाने के बजाय तुम मेरे खातक हो, तुम मेरे साथ दगा किए हो, तुम धोखेबाज हो, तुमने अपने भाइयों के साथ जनता के साथ तुमने, तो ये जो 2 अपराधी हैं, एक तो सरकार और दूसरा जो अपने किए परमिशन, इन लोगों को। डॉक्टर साहब, 34 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और मुझे लगता है वो मंजर ऐसा भी रहा होगा कि आपकी मर्चुरी में जगह भी नहीं बची होगी बॉडी रखने की, और अब दोषी हम निकालें तो कुछ दुनिया छोड़ के चले गए हैं, एंडरसन की ही बात करें तो वो भी अब दुनिया में नहीं है, वो जिन्होंने जांच की जिन्होंने परमिशन दी उनके भी अते पते नहीं है, क्या लगता है इसके बावजूद भी अभी भी उस ग्रेस से पीड़ित लोग हमारे भोपाल शहर में हैं, उनको कभी न्याय मिल पाएगा? देखिए, सवाल ये उठता है कि जिन्होंने फैक्ट्री परमिशन दिया लगाया इंस्पेक्शन किया जिसने लगाया, ये सब जा चुके हैं और रहते भी, उनको यदि हम कुछ भी कर भी देते हमें कोई फायदा नहीं था। अब सिर्फ हमारे पास जो अभी वर्तमान में बचा हुआ है, गैस पीड़ित बचे हुए हैं, ये हादसा बचा हुआ है, इसकी यादें बची हुई हैं, तो हमें हादसे से सबक लेना चाहिए। दूसरा, भविष्य में यदि इस तरह का कोई भी दूसरा हादसा होता है तो उसमें एक सबक लेके एक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि सबसे पहले आदमी कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, तीसरी बात कौन होगा, फिर इन आदमियों का क्या करना चाहिए, ये पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, जो कि वर्तमान में हमारे पास अभी भी नहीं है। यदि भविष्य में ये नहीं, यदि भूकंप आ जाए तो फिर भी वही नायब तहसीलदार आरआई को बुला लो, इसको बुला लो, घर का नंबर लिख दो, नगर निगम के 4 आदमी आ गए, डॉक्टर सतपति आ गए, 4 NGO आ गए, आपस में गुत्थम गुत्थी होने लगे। अभी भी कोई सिस्टम हमारे पास डेवलप नहीं है, एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए था। नंबर 2, जो आदमी हादसे से पीड़ित हो चुके हैं उनका पुनर्वास, उनके आर्थिक, उनकी सामाजिक और इस हादसे के बाद रिसर्च, अभी तक हमारे पास रिसर्च कुछ नहीं है। जैसे कि मैं रिसर्च क्यों बोल रहा हूं, नागासाकी हिरोशिमा पे जो बम गिरा था वो अगले दिन विकलांग पैदा नहीं होने लगे, ये 15 साल 20 साल 25 साल के बाद हुए। तो इसी तरह क्या ये गैस
अनुवांशिक रूप से पीड़ित करेगा क्या हमको? डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा ये है कि उस वक्त जो गैस से पीड़ित लोग थे, उस वक्त जो बच्चे पैदा हुए, उनका एक वंश चला आ रहा है, सब में वो पारा की मात्रा पाई जाती है, क्या आगे ये चलेगा? यूनियन कार्बाइड को जो पूछा गया तो यूनियन कार्बाइड ने बोला कि ये, उसने बताया कि जहरीला गैस हो गया, ये हो गया, क्योंकि उसको तो मौतें हो चुकी है। मगर उसने एक चीज कहा था कि जो पेट में गर्भ है, नाल से ये किसी भी हालत में क्रॉस नहीं करेगा। मगर हमने जो माताएं गर्भवती थी मर गई, माता का खून में जो भी तत्व मिले, किसी में 11 तत्व मिले, किसी में 20 तत्व मिले, और सभी तत्व बच्चे में भी मिले, इसका मतलब उसका कहना झूठ था। तो जो बच्चे मर गए, माँ मर गई, बच्चे मर गए, वो तो ठीक है, मगर जो माँ बच गई, उसके पेट में जो बच्चा था उसमें तो ये जहर प्रवेश कर गया है। वो बच्चा जो पैदा हुआ है वह जहर समेत पैदा हुआ है, हम जिसको कहे कि सगर जैसे पैदा हुए थे, गरल के साथ इसी तरह पैदा हुए थे। तो इनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट, डेवलपमेंटल एनामलीज तो आएंगी ही आएगी। बाकी जो लड़कों का 6 माह में दांत निकलता तो हो सकता है इनका 8 माह में, कोई रेंगना डिले कर देगा। तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ा रिसर्च होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और अभी भी अच्छा, दूसरी बात देखिए मैडम, ये हादसा 4 मिली अररा कॉलोनी में होता तो दूसरी बात थी। ये तो उस जगह हादसा हुआ है जहां पर हमारे सभ्य समाज के लिए ये बोझ है धरती पर। बल्कि हमें तो ऐसा लगता है कि यूनियन कार्बाइड का गैस ने इस बोझ को पूरा का पूरा खत्म क्यों नहीं कर दिया? लगभग आधे से ज्यादा पुराना तो साफ हो चुका। मुझे नहीं लगता कि अब देखिए, अभी इलेक्शन गया है जी। तमाम पार्टी के लोग, आप पार्टी से लेकर कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक, सब एक ने भी गैस का मुद्दा को नहीं उठाया, क्योंकि वो इतने लाचार, इतने मजबूर हैं, उनके बारे में लड़के क्या फायदा। डॉक्टर साहब, ये जो राहत कार्य के लिए इतने संगठन बने, मुआवजे बटे और भी फंड आते हैं, लेकिन आपको लगता है क्या वो सही हाथों में गए? जो वाकई में पीड़ित थे उन तक ये राहत कार्य पहुंचा, ये राहत की सामग्री पहुंची, ये पैसा पहुंचा? देखिए, मुझे पक्का मालूम है जिसके पास मुर्गी तक नहीं था वो मुर्गी फार्म का मुआवजा ले जाएगा, और जिसके पास एक गाय तक नहीं थी डेयरी का मुआवजा ले। जो गैस पीड़ित नहीं थे, किसी भी कारण से मरे हों, 4-4, 5-5 लाख रुपए ले गए, और जो गैस पीड़ित थे बेचारे, उनको 25,000 में संतुष्ट करना पड़ा। ये मैंने सब देखा है, मेरे पास आंकड़े हैं, मैंने खुद गवाही देता था मैं वहां पर जाके। डॉक्टर साहब, ये एक बड़ी त्रासदी थी जिसको झेला, 34 साल झेलते हुए हो गया, आपकी आंखों देखी थी, आप गवाह थे। अब क्या लगता है, ये 34 साल बाद क्या इसके पीड़ित कम हुए हैं, क्या वो दर्द कम हुआ है? क्योंकि आप वो दर्द झेले हैं, आप उस दर्द को जानते हैं। 34 साल, हर साल 3 तारीख को इसकी एक वर्षगांठ मना दी जाती है, एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी जाती है, मंत्री और नेता आके भाषण दे जाते हैं, लेकिन जो दर्द आपने झेला वो दर्द कहीं कम हुआ? भोपाल का जो भी एक सेंसिबल नागरिक है, यादें हैं, दर्द अभी भी दफन है, और यह दर्द आखिरी समय तक रहेगा। अब तो यार भी करना मुश्किल है, क्योंकि हमारी आंसू अब सूख चुके हैं, बहना भी मुश्किल है। ये डॉक्टर सतपति से हम बात कर रहे थे, 34 साल से डॉक्टर साहब ने बताया कि अब आंसू सूख चुके हैं जो बहते नहीं हैं, लेकिन दर्द उतना ही होता है सीने में जो उस वक्त था जब किसी ने कहा था कि आपकी कल्पना से परे मृत्युएं हो चुकी हैं। लेकिन दर्द इसलिए भी है क्योंकि सच में कहें तो राहत कार्य से वो राहत नहीं मिली उन गैस पीड़ितों को, वो मुआवजा नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था, और साथ ही वो दोषी जो थे वो बाहर खुले में घूमते रहे और यहां मृत्यु की दर बढ़ती रही। कैमरामैन तरुण यादव के साथ शेफाली गुप्ता, दखल न्यूज, भोपाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।